वेबसाइट पर जाने के लिए गूगल पे सर्च करें pmkisan.gov.in। नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल द्वारा एक अपडेट किया गया है जिसमें ईकेवाईसी ऑप्शन को हटा दिया गया है। हमने वीडियो डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम उन लोगों को जानकारी देने वाले हैं जिन्हें ये नहीं पता था कि हमें ईकेवाईसी करनी है या फिर नहीं करनी है। कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि भैया हमने ईकेवाईसी कर दिया है अपने मोबाइल के थ्रू, अब क्या होगा। तो मैं आपको इसमें कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अब आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आधार बेस्ड ईकेवाईसी थ्रू ओटीपी ऑथेंटिकेशन हैज बीन टेम्परेरी सस्पेंडेड। इसका जो सिंपल मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ईकेवाईसी हम अपने मोबाइल के थ्रू कर रहे थे ओटीपी यानी आधार कार्ड के ओटीपी के थ्रू, वो ईकेवाईसी का जो ऑप्शन था वो यहाँ से इन्होंने रिमूव कर दिया है। उसे जो रिमूव करने का रीज़न है वो ये है कि ये पहले सार्वजनिक था, यानी कि कोई भी ईकेवाईसी कर रहा था। तो CFC BLE के लिए ये खैर खुशी की खबर भी है, लेकिन हम लोगों के लिए, आम किसानों के लिए ये थोड़ा यानी कि परेशानीदायक है। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, अगर जो ईकेवाईसी का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद रहता तो किसी की ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। सभी किसान लगे हुए थे ईकेवाईसी करने में, किसी की ईकेवाईसी नहीं हो रही थी, किसी का मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट बता रहा था, किसी के मोबाइल पर ओटीपी नहीं जा रहा था। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट से ईकेवाईसी ऑप्शन हटा दिया गया है। और यहाँ पे आप ये एक नोटिस पढ़ सकते हैं, ईकेवाईसी इज मैंडेटरी फॉर PM किसान रजिस्टर्ड फार्मर्स, प्लीज कॉन्टैक्ट नियरेस्ट CFC सेंटर फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि ईकेवाईसी सभी को अभी भी करनी है, लेकिन किन लोगों को नहीं करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि ईकेवाईसी आपको बायोमेट्रिक को थ्रो करनी है, यानी कि नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाना है और वहाँ पर अपने आधार कार्ड के थ्रो फिंगरप्रिंट लगा के ईकेवाईसी को कम्प्लीट करना है। अब बात ये आती है कि ईकेवाईसी किन्हें करनी है, किन्हें ईकेवाईसी नहीं करनी है। तो देखिए, जिनका अपना स्टेटस चेक करिए, जिनका पेमेंट मोड आधार है उन्हें ईकेवाईसी नहीं करनी है, और जिनका पेमेंट मोड अकाउंट है उन सभी को ईकेवाईसी करानी है। अगर आप लोग कहोगे कि अभी हमारा सिस्टम चालू है, आपका अकाउंट एन ए नहीं हुआ है यानी हटाया नहीं गया है, तो देखिए भैया वो आपका हटा दिया जाएगा, आपको किस्त नहीं मिलेगी। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि नज़दीकी CFC केंद्र पर जाकर आप भी ईकेवाईसी कराएं, और जिन लोगों का पेमेंट मोड आधार है उन्हें ईकेवाईसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिनका पेमेंट मोड आधार है उन्हें ईकेवाईसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट स्टेप आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करके और चेक कर सकते हो, यहाँ पे अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और गांव यानी कि विलेज सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हो कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मर हो या फिर नहीं, यहाँ पे बता दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिस्ट में हो तो आपको ईकेवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी ऐसा भी हो सकता है आपका नाम भी लिस्ट में हो लेकिन आपका पेमेंट मोड अकाउंट हो तो आपको ईकेवाईसी करना है। अगर आपका पेमेंट मोड आधार है तो ईकेवाईसी नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।